आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को 279 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए बड़ी सौगात दी है, जिसमें 275 करोड़ की बगलीपाट माइक्रो प्रेशराइज सिंचाई परियोजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश भर में 2000 से अधिक विकास कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन करते हुए यह सौगात दी, जिसे लेकर समनापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्षेत्रीय किसानों के साथ मंत्री कावरे शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री PC महाजन, कार्यपालन यंत्री उदय सिंह परते, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरपंच प्रतिनिधि गणेश लिल्हारे, पूर्व मंडल अध्यक्ष निरंजन लिल्हारे प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। मंत्री कावरे ने कहा कि बगलीपाट के निकट बंजर नदी पर यह सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जाएगी। आधुनिक तकनीक से बंजर नदी के पानी को लिफ्ट कर होज सिस्टम के जरिए पाइप के माध्यम से किसानों के खेत तक पहुंचाया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी परसवाड़ा में कोई ऐसी बड़ी योजना संचालित नहीं थी, जिससे असिंचित भूमि पर जरूरत के अनुसार सिंचाई की जा सके। बगलीपाट माइक्रो सिंचाई परियोजना परसवाड़ा क्षेत्र के 30 गांव कुमादेही से गरारी बहरा तक को शामिल किया गया है, जिनकी कृषि मानसून पर निर्भर थी। पानी के स्रोत का स्तर नीचे है, जमीन ऊंची नीची है, इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में मंत्री रामकिशोर नानोकावरे चरेगांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पवार समाज के लिए 15 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए मछुआ समाज के सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मछुआ समिति के सदस्यों को अनुदान राशि के चेक भी वितरण किए गए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल, मत्स्य विभाग की डिप्टी डायरेक्टर शशि प्रभा धुर्वे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और चरेगांव बटवा सरपंच व ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और मेरे मन में भाव है, मेरी तड़प है कि मैं जनता की सेवा करूंगा। आज तो मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम हुआ है, सबसे बड़ा काम। ला हमारे, मैंने लांता के पेशराइज योजना 146 करोड़ रुपए का, जब मैं लांता में भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री को बुलवाया था, तब मैंने कहा था कि वो परसवाड़ा ब्लॉक जहाँ पर हमारे किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच जाता, क्योंकि वो एरिया चढ़ाव पर है, गड्ढे से पानी ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। मैंने बंजर नदी को बांधकर और बंजर नदी से 40 गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचा दूंगा। वो योजना मैंने तैयार किया था और मैंने मुख्यमंत्री जी से 22 फरवरी को मैंने घोषणा करवाई थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि कल वो घोषणा पूरी हुई, कैबिनेट में पास हुआ और आज मैंने लांता से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा भूमि पूजन कर दिए 275 करोड़ रुपया का। अब हमारे परसवाड़ा ब्लॉक में क्या क्या नहीं किया परसवाड़ा विधानसभा के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने। भाई और बहनों, हमारे मत्स्य विभाग के भाई लोग बैठे हुए आपके डैम के बाजू में, आपके लिए जाल रखने के लिए, आपके बैठने के लिए एक कक्ष बनाने का काम हमारे विवेक कुमार जी, हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैडम बैठी हुई है, इन्होंने प्लान किया और हमारे मत्स्य विभाग के लोगों की भी चिंता की है। भाई और बहनों, सारे वर्गों की चिंता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने शुक्रवार को वाराणसी सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर उन्हें चिकित्सालय में पदस्थ सभी 8 डॉक्टर एवं लैब कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसे लेकर डॉक्टर पांडे ने सभी डॉक्टर एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि लंबे समय से वाराणसी के इस सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के साथ डॉक्टरों की मनमर्जी चल रही थी। समय पर नहीं पहुंचने के कारण मरीजों को आए दिन परेशान भी होना पड़ रहा था। इसी को लेकर प्राप्त शिकायतों के बाद सुबह 9:30 बजे CMHO डॉक्टर पांडे ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सों को छोड़ दिया जाए तो डॉक्टरों और कर्मचारियों का स्टाफ पूरी तरह से नदारद मिला। डॉक्टर पांडे ने कहा कि यदि नोटिस
का सही जवाब नहीं मिला तो जल्द ही इन डॉक्टरों के वेतन में कटौती की जाएगी। डॉक्टरों द्वारा बरती जा रही लापरवाही गंभीर और अनुशासनहीनता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। औचक निरीक्षण तो औचक रहता है, ये देखा जाता है कि भाई जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई है, सरकार बहुत, हम लोग सब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ऐसी सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, तो उसकी प्रतिपूर्ति हो रही है क्या, उपलब्ध है क्या, तो इसके राज्य निरीक्षण किया है तो पाया गया था कि हमारा स्टाफ तो पूरा मौजूद है, स्टाफ नर्सेस मौजूद है, मरीजों को उपचार बोतल वगैरह लगी हुई, लेकिन जो डॉक्टर हैं हमारे वो कोई भी नहीं पहुँचे हैं, हमारे लैब पे कोई भी व्यक्ति नहीं आए हुए हैं। तो इसका मैंने संज्ञान लिया है और सभी को नोटिस जारी करेंगे, और नोटिस जारी करने के बाद में अगर उनका जवाब उचित नहीं पाया जाएगा तो उनको एक दिन का उनका अवैतनिक किया जाएगा, और इसकी सूचना जो है हमारे मैंने प्रदेश मुख्यालय को दी जा सकेगी, ताकि उनके जो ब्रेकिंग सर्विस की कार्रवाई उनके ऊपर की जा सके। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके के नेतृत्व में आज दक्षिण बैहर के सुदूर अंचलों में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा डाबरी से शुरू होकर धुंधुनवारधाम में आक्रोश सभा के साथ संपन्न हुई। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भाजपा से जुड़े 150 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें विधायक संजय उइके के द्वारा कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, उपाध्यक्ष हेमंत साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलकंठ रहांगडाले, संतोष बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष बैहर, अडोरी सरपंच परशुराम धुर्वे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुंती धुर्वे, वारधा सरपंच चयन सिंह पुसाम सहित अन्य सरपंचगण मौजूद रहे। विधायक संजय उइके ने कहा कि आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश सहित दक्षिण बैहर के विकास का रास्ता तय करेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार ने आज तक इस क्षेत्र के विकास को लेकर कोई भी विशेष पैकेज नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र को विशेष पैकेज दिलाया जाए और आदिवासियों के जीवन मानक स्तर में सुधार लाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। करने का काम किया है कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया बोलते। अरे भाजपा के लोगों शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो आदिवासी